दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे आपको पता ही है कि 5 दिवसीय गढ़ कौथिक चल रहा है, तो आज है गढ़ कौथिक का 4th दिन और मेला काफ़ी अच्छा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कल बहुत अच्छे हुए, मगर मैं जल्दी आ गई थी ना, क्योंकि खाना वगैरह बनाना होता है, तो मैं जल्दी आ गई थी। भिंडी, बैंगन, खीरे, करेला है और ये गोल लौकी है। बहुत टेस्टी होती है दोस्तों इसकी सब्ज़ी ना, बहुत ही टेस्टी होती है। ये है टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, देखिए पूरा पीला हरा धनिया है ये। तो ये कुछ सब्ज़ियाँ, अब शाम को पानी आएगा ना तभी धोऊंगी, और अभी मैं दाल भात के साथ बनाऊंगी ये बैंगन की सब्ज़ी। तो गाइस, मेरा दिन का खाना बन गया और मेरी बेटी यहाँ पे पता नहीं क्या कलाकारी कर रही है। इसने ना वो दिखा था फ़ोन पे वीडियो एक नेल आर्ट का, तो ये देखिए कर रही है, कोशिश कर रही है ये। वैसलीन नहीं है हमारे पास, तो ये जेल ले लें इससे पहले लगा दिया है। और ये ना इसके असली नाखून है, कहीं आप नकली समझे। तो अब हम इसमें लेंगे चम के लिए, तो इतनी पतली है। अब मैंने ना एक बार भी नहीं लगाया है नेल पेंट, और वो ही ले आई है ये उठा के। ये देखिए पिंक कलर की मैंने आपको दिखाई थी ना अपने ब्लॉग में, वो ही ले आई उठा के ये। ओहो गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है ये, जैसा मैंने वीडियो में देखा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ये देखो गाइस, कुछ ऐसा करना था, फिर इसको ना ऐसे अपने नाखूनों को ऐसा करके ऐसे डुबोना, फिर क्या होगा इससे, ऐसे डुबोना था। हाँ, अरे वाह, ये क्या हो गया ये ये कुछ अजीब सा टाइप का बनना था पर कुछ अजीब सा बन गया है। और गाइस, यहाँ बज गए हैं शाम के 4:30, और हमारा ना वार्ड नंबर 2 का एक ग्रुप है, तो उसमें अभी मतलब थोड़ी देर पहले मैसेज आया था दिन में, जब हमने लंच वगैरह कर लिया था तब देखा मैंने वो मैसेज। तो आज मेरे भतीजे को सम्मानित किया जाएगा, मतलब सभी जितने भी वार्ड नंबर 2 के बच्चों ने जिन्होंने ना हाई स्कूल और इंटर में अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको आज सम्मानित किया जाएगा। तो उसमें मेरा भतीजा भी है। तो वैसे भी मैंने कहा चलो, और दिन में खाना बना के नहीं जाती थी, तो मुझे जल्दी आना पड़ा था। अब क्या पता किस टाइम तक आएगा नंबर, तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ। तो अब खाना वाना बना लेती हूँ, फिर हम निकल लेंगे आराम से। तो मतलब बिंदास होकर आज मेला प्रोग्राम देख सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो गाइस, मैं हो गई हूँ तैयार गढ़ कौथिक जाने के लिए, और आज मेरे भतीजे को पुरस्कृत किया जाएगा, मतलब सभी बच्चों को जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है हाई स्कूल इंटर में। तो आज मेरी देवरानी भी जा रही है, और मैं सब्जी वगैरह बना दी है, बेटियाँ मेरी थोड़ी लेट आएंगी तो वो बना देंगी दादा दादी के लिए रोटियाँ। वैसे तो इनाम मिल जाएगा तो मैं जल्दी आ जाऊँगी घर। अब क्या पता कब तक मिलता है, क्या टाइमिंग है इनाम की। तो अब हम आपसे मिलेंगे गढ़ कौथिक में, जा रहे हैं। देखिए मेला, हेलो कर दो, ये देखिए ये तो भीड़ देखो गाइस, आज पीछे सब जा रहे हैं। अभी गणेश वंदना हो रही है, आज ना ज़्यादा भीड़ है, कल से भी ज़्यादा भीड़ है आज। और आज उनका डांस है, ये देखिए गाइस स्कूटी, और आज फ्रिज, और वो भी आज इसका वो करवाने जा रहे हैं। यहाँ पे जमा होना है आधार कार्ड और रिजल्ट, ये देखो। अरे उसको स्कूटी, रेफ्रिजरेटर और LED। आपको क्या मिला, आपको क्या मिला? और यहाँ पे डांस हो रहा है, और मैं यहाँ अकेले ही मेले में घूम रही हूँ। I'm a
यहाँ पे जलेबी खा रही है, मेरा भतीजा लेके आया है। जलेबी का मजा लेते हुए हम लोग मेले में आए हैं और ऐसे बैठे जैसे यहाँ भंडारा चल रहा होगा, ऐसे बैठे हम लोग। ये है उभरते हुए यूट्यूबर, इसका नंबर ही है, इसलिए हम लोग ऐसे बैठे यहाँ पे। 9:15 बज गए यहाँ पे रात के, नंबर ही नहीं आया। 9 बज गए। अब आ रहा है मेरे भतीजे का नंबर, वो अनाउंस कर रहे हैं वहाँ पे इनाम के लिए, मतलब जो भी मिलेगा सर्टिफिकेट। कुमारी तनुजा पुत्री श्री मुकेश रावत GIC कुंभीचौड़, आपने जो है 84.8% अंक प्राप्त किए हैं, बिशनपुर निवासी हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई है। ये हमारे क्षेत्र के और अब मेरे भतीजों को ना सर्टिफिकेट मिला है, ये और मेडल दिखाइए, और एक मिला है उसे, और ये देखिए मेडल मिला है। तो घर चेतना, मतलब जो घर संस्था है हमारी घर चेतना, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब हम जा रहे हैं घर, काफी लेट हो गया, 9:15 हो गया। हम गोला खाने रुके हैं, गन्ने का जूस पियोगे क्या? 10 रुपए ग्लास होगा ना, 20 रुपए तू भी गन्ने का जूस। ये देखो गाइस कितनी भीड़ है, लोग ना अब आ रहे हैं जा रहे हैं, हाय बोल रहे हैं। ये देखो ये मेरा दोस्त है, कल मिलिए कल। ये गन्ने का जूस पिएगा ये भी, और हम खाएंगे गोला, और मेरी मम्मी खाएगी आइसक्रीम। और गाइस हम घर पहुंच गए, और हमें आज ना बहुत लेट हो गया क्योंकि इनाम देर से मिला ना, और पैदल रास्ता था, फिर आधी रास्ते में बेटा आ गया था लेने मुझे और चाची को मेरी बेटी। और यहाँ मेरा भतीजा ना अपने ताऊ जी को दिखाने आ रखा अपना प्रशस्ति पत्र और मेडल, ये देखिए। तो दोस्तों मेले से आने के बाद ना थक भी गए थे काफ़ी, आधी रास्ते में आए बच्चे लोगों ने लेने, और खाना वगैरह हो गया हमारा, और मेला बहुत अच्छा रहा। और कल है मेले का 5वां दिन, तो कल लक्की कूपन खुलेंगे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।